हे गाइस, क्या हाल चाल, आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो हम अगेन आ गए हैं बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर, जिसमें हमेशा एक तरह तबाही दवा के होने वाली है यार। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे पबजी अनबैन के बारे में, क्योंकि यार ऐसा समझ लो कि पबजी अनबैन से रिलेटेड एक और संभावना बढ़ गई है। मतलब अभी तक अगर तुम समझो कि 50% चांसेस थे अनबैन होने के, तो अब 60% हो गए हैं, क्योंकि यार अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि टेंसेंट की डोली उठने वाली है। और भाई साहब, टेंसेंट अपने मायके से ससुराल की ओर प्रस्थान करने वाला है। तो यार शुरू में अपन यही बात करेंगे कि यार क्या ये इंडिया में पबजी मोबाइल अनबैन से रिलेटेड कोई फायदे की न्यूज़ है या फिर फालतू है, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो भाई साहब, न्यूज़ आ रही है, र्यूमर आ रहे हैं और थोड़ी बहुत संभावना है कि टेंसेंट अपना हेडक्वार्टर चाइना से सिंगापुर की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। प्रॉब्लम किसी भी कंट्री को किसी कंपनी से बिल्कुल नहीं होती है और ना है, प्रॉब्लम है कंट्री से, क्योंकि यार टेंसेंट बैन हुआ इसका तुम्हें मेन रीजन पता है कि टेंसेंट बैन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो टेंसेंट कंपनी है ना, वो इसलिए बैन हुआ क्योंकि वो चाइना में है और चाइना के रूल और रेगुलेशन तुमको ही पता है। तो इसलिए सारी कंपनी हमें ट्रांसफर कर रही है, बिकॉज ऑफ कंपनी को उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंट्री है, वो अपना बिजनेस देखती है, वो अपना फायदा देखती है, अपना लॉसेस देखती है। और वैसे भी इंडिया में जिस हिसाब से कंपनियां बैन हो रही है ना, चाइना की बहुत सारी कंपनियों को घाटा हो रहा होगा यार। तो यार कुछ कह नहीं सकते कि इससे पबजी वापस आएगा ही या नहीं आएगा, लेकिन हाँ यार एक मेन रीजन था कि चाइना में है ये कंपनी, इसीलिए इसको बैन किया गया है, वो रीजन अब हट जाएगा, जिसके कारण कंपनी अगेन अप्लाई कर सकती है कि हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अब अपडेट कर लिए हैं, आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए और शायद कंट्री दोबारा चेक करे और वापस अनबैन कर दे और हमको प्ले स्टोर पर दोबारा दिख जाए पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट, आई होप जल्दी दिख जाए। तो अब गेम प्ले की बात करते हैं यार। लूट ले लो, हाँ लूट सकते हो, मैं लूट लिया। तो वैसे सबसे पहले बात करते हैं बैड लक के बारे में, जो कि सबसे पहले वाले बंदे के साथ हुआ था। मतलब वो बंदा जंप किया, उस समय मैंने गाड़ी लाके उसके ऊपर ठोक दिया। मतलब वो बंदा तो कह रहा मैं खेल ही नहीं रहा इस गेम को, मतलब कितना बैड लक है। और वो बंदा कूदा और सीधे सल्लू भाई का शिकार हो गया, और उसके बाद इसकी स्क्वाड भाव भी नहीं दे रही इसको यार, मतलब नीचे ही नहीं उतर रही बचाने के लिए। स्क्वाड भी लाइक हम ना आ रहे भाई, तू कूदा था तू मर, हम नहीं कूद रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका एक टीममेट जो कि काफी दयावान था, तो वो अपने टीममेट को बचाने आया और उसके बाद पूरी स्क्वाड आ गई और फिर धीरे धीरे सबको बचा दिया गया। और उनके बजने की आवाज सुनकर एक स्क्वाड जो नीचे उतरी हुई थी तुरंत आ गई भाई साहब की, भाई ओहो डीजे बज रहा है, हम भी जल्दी जाते हैं। तो हमने कहा आ जाओ स्वागत है, हम तो वैसे भी बैठे हुए हैं कि आओ तुम्हें बजा दें। इसके दो बंदे बस आते हैं और बाकी के दो बंदे अभी भी नहीं आ रहे हैं, वो कैम करके बैठे हुए हैं। तो फटाक से अपन हीलिंग उठाते हैं और उसके बाद फिर उनको बजाने भी निकलते हैं। मैं बच गया,
आराम से, इसका एनिमी अभी भी नहीं आया और ये मरने वाले मोड में, टीममेट करना है। आ रहे मैं खड़ा हो गया। ओपी। तो भाई साहब एकदम मस्त वाली कैंपिंग कर रहे थे, मतलब छत में बैठकर विटामिन डी भी ले रहे थे और साथ में कैंपिंग भी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा टैलेंट है इनके पास। लेकिन कहते नहीं कि स्क्वाड में एक ऐसा बंदा होता है जिसको शांति नहीं है जीवन में, वो अलग ही हड़बड़ाता है। तो वही बंदा रस करने आ गया हमारे ऊपर कि यार जल्दी से जाता हूँ मैं, मार दूंगा किनारे से। और भाई केपीएस को नॉक भी कर दिया था यार बंदे ने, काफ़ी सही खेला। लेकिन यार लॉयन भाई का कवर, मतलब क्या ओपी कवर, तुरंत बंदे को नॉक और फिनिश किया यार। उसके बाद भाई साहब ऊपर से विटामिन डी ले रहे थे, वो जल्दी आए कि भाई मेरे टीममेट को भी बजा दिया, मैं अकेला बचा हूँ, तो वो आए और वो भी बजा दिए गए, सिंपल। तो उसके बाद बकायती खत्म करते हैं, काम की बात करते हैं। तुम्हारे भाई उठा ली गाड़ी, तुमको पता जो भी काम क्या करना है, तो जल्दी जो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नया हो सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा हार्ड है यार। तो भाई साहब ऐसा ही होता है, मतलब ये बंदा या बंदी जो भी रही हो, अमू पूजा ये नाम शायद बंदे का नहीं लग रहा, मुझे बंदी का लग रहा है, तो ये बच जाता है यार। इसकी गाड़ी पलट गई थी लेकिन ये बच जाता है। लेकिन भाई साहब बॉट फायर आया पीछे से, और वो बॉट फायर बॉट नहीं किया जिसको हमने मार दिया, तो उस बॉट को मारने के लिए हमने गाड़ी रोकी और हमको ये भाई साहब दिख गए। और अब दिख गए हैं तो शिकार तो करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब BRDM के शौकीन थे, मतलब ये नहीं कि जोन में जाकर AWM मंगा लें और बढ़िया हेडशॉट लगाएं और Level 3 के महंगे महंगे हेलमेट वेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, इनको तो BRDM ही चाहिए। ये कछुआ छाप का आक्रोश पता नहीं क्या करेंगे यार, इसका कुछ मतलब ही नहीं है इस गाड़ी का। लेकिन हमने कहा चलो हम यूज़ कर ही लेते हैं जब मिल गई है तो। एकदम चाव से ली तो इसकी टीममेट भी आ रही बैठ गया, मैं तो आराम से बिल्डिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद इनके टीममेट आते हैं, वो यहाँ रुकते नहीं हैं, सीधे निकल जाते हैं, पता नहीं क्या ही सोच के निकल जाते हैं। तो हम भी उनके पीछे पीछे निकल लेते हैं कि आ रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ हम भी आ रहे हैं, क्या ही समस्या है। तो ये भाई साहब पता नहीं यहाँ क्या ही कर रहे थे, मतलब वहाँ दंगे हो रखे हैं, उधर लड़ाई हो रही है, लेकिन ये लोग यहाँ बैठ के पता नहीं कहाँ बिजी हो रखे हैं। उसके बाद हमारी एंट्री होती है तो हमारे ऊपर हमला कर देते हैं यार। और बात ऐसी कि हमारे पास चेस्ट और के तो कैंपिंग काम नहीं आने वाली है, क्योंकि TPP के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे से काम कर जाती है गन। गन नहीं है ये, सो तुम कुछ और ही कहो, गन नहीं है यार। बस बॉट बेट हो ना दोस्तों, मैं तो आ गया, गाड़ी आई, भैया बैठना हो तो बैठ जाइए।
उसके बाद तुम्हारे भाई ने यहाँ पास एम वॉट का शानदार उपयोग किया यार, तुमको पता नहीं चला ना। मुझे भी एक बार के लिए डाउट हुआ कि यार बहुत सही स्प्रे दे दिया मैंने यार पेड़ के पीछे, लेकिन कोई बात नहीं यार, महंगा एम वॉट है, ऐसे थोड़ी ना काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा। अरे गुरु कहाँ, अंदर कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर इसके छोटा ले रूम में। अरे आ जाओ भैया, तो भाई साहब इसे कहते हैं दंगे के साइड इफेक्ट। मतलब इतने खतरनाक दंगे हुए इधर पास कि भैया जी की हवा निकल गई है, ज्यादा ही डर गए हैं, चुपचाप जाके सैक में बैठ गए कि आओ मुझे मार लो, मैं नहीं लड़ूंगा, भैया मेरी हवा निकल गई है, बिल्कुल डर गए। ये भी इग्नोर तो भाई साहब खतरनाक जिगल मार रहे थे, लेकिन बात ऐसी कि डीपी में 47 बुलेट होती हैं, मतलब कितना जिगल मारोगे यार, एक ना एक बुलेट तो कनेक्ट हो ही जानी है, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 से 15 बुलेट लगनी है तुमको मारने के लिए, कोई पबजी मोबाइल लाइट है इसलिए, अगर पबजी मोबाइल होता तो अभी तक तो तुम लॉबी पहुंच चुके होते। उसके बाद बीआरडीएम का सबसे अच्छा फायदा कि ये पानी में भी चल सकती है और जमीन में भी, वो अलग बात है, कछुआ की गति चलती है और काकरोच जैसी दिखती है। उसके बाद यहाँ तुमको देखने को मिलेगा कि कर्मा एग्जिस्ट करता है। चिकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को भी ऐसा ही लगता है। भैया अगर पहाड़ पे कोई अकेला लौंडा हुआ तो मतलब तुम बंदों को इधर से मारोगे तो बंदे भी तुमको स्टोलबिके से मारेंगे, सीधी सी बात है भाई, किसी का गलत करोगे तो तुमको सजा जरूर मिलेगी। तो जब हम मरे तो हमको समझ में आ गया कि बात ऐसी है कि स्टोलबिके ना चलाया करो, क्योंकि यार जब नहीं चलाओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार चलो हमने नहीं चलाया है, कम से कम तुम्हें अपने आप में प्राउड आएगा कि हमने नहीं चलाया है। लेकिन अगर तुम भी चलाओगे तो फिर तुम्हारे और उसमें क्या अंतर हो गया, ये आध्यात्मिक बातें हैं बालक, तुमको समझ नहीं आएंगी, अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात, तुम समझदार हो। तो जिगर ने नहीं मिल पाया है मतलब तुमको पता क्या करना है, जल्दी जाओ सब्सक्राइब पर, माथा टेको घंटा बजाओ क्योंकि अगले वीडियो में पक्का मिलेगा। अगर तुम्हें चिकन डिनर चाहिए तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।